क्या है पूरा मामला, किस तरीके खुलासा हुआ है? ये 12 अक्टूबर को एक महिला की एटीएम में पैसे निकालने में मदद करने के बहाने कुछ लड़कों ने एटीएम बदल के, और महिला का आरोप था कि उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं। इस शिकायत की जांच साइबर टीम जनपद भदोही द्वारा की गई और उसमें बैंक से संपर्क स्थापित करके सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और जो साइंटिफिक एविडेंसेस जो हैं वो जनपद भदोही की स्वाट टीम, साइबर टीम और गोपीगंज थाने की पुलिस टीम ने कलेक्ट किए, और इसी क्रम में आगे इस जानकारी को इकट्ठा करके और इस पर कार्रवाई करते हुए आज 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त आजमगढ़ और जौनपुर जनपदों के रहने वाले हैं। इनका नाम अजय, विशाल, हीरा, शंकर और अमलेश हैं, और इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये कुछ एटीएम्स को टारगेट करके लोगों का उनको मदद करने के बहाने उनका एटीएम बदल लेते थे और पिन कोड उनका देख लेते थे और उसके बाद अलग अलग जगहों से उससे पैसा निकालते थे। और ये इसके अलावा इन अभियुक्तों के ऊपर लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर, एक्साइज एक्ट, आईटी एक्ट और एटीएम फ्रॉड के कई मुकदमे दर्ज हैं। आज इनको टीम ने गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 3.5 लाख रुपये बरामद किए हैं, और इसके अलावा 93 अलग अलग बैंकों के एटीएम्स इनसे बरामद हुए हैं। और पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोग घूम घूम के इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे। और इसके अलावा जो एटीएम इनसे बरामद हुए हैं, इन एटीएम्स को भी अलग अलग घटनाओं से कनेक्ट किया जा रहा है ताकि और जो इनकी आपराधिक कृत्य हैं उनका खुलासा हो सके। ये जो उल्लेखनीय काम जिस जनपद भदोही की जिस टीम ने किया है उसको मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।